वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। और आज होगा बहुत ही अमेजिंग चीज, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डेजी पावर लाइन की। डेजी पावर लाइन 901 इज एन अमेजिंग एयर राइफल, यू गोना लव इट। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने वाला है। टेक प्राइड इन डेजी, बिकॉज डेजी जो है यूएसए का बहुत ही पुराना मॉडल है। यू कैन सी हाई पावर्ड एयर गन, एज 16+, तो 16 साल से ज़्यादा उम्र के लिए है। प्राइस जानना है, खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, जिसको परचेस करना है सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेस करिए। और जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा जानना है, वो मैं इसमें आज बात करने वाला हूँ। ये डेजी का है, डेजी पावर लाइन 901 है। ये डुअल एमओ है, दैट मीन्स आप इसके अंदर बीबी भी लोड कर सकते हैं एंड पैलेट भी लोड कर सकते हैं। ये 0.177 का है, दैट मीन्स इसके लिए इंडिया में लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया में 20,000 से नीचे के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, आई डोंट नो, इसके लिए हमें आई गेस एयर राइफल का बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्डबोर्ड बॉक्स में तो आप इसे रखोगे नहीं। इसका कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसे मैं निकाल देता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर ये टैग है, उसको बेसिकली पैक करने के लिए। मैं इसे अभी काट नहीं रहा हूँ, बिकॉज जब हम इसको पैक करके डिस्पैच करेंगे तो उसके लिए। दूसरी बात, ये हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में है, तो अगर आपको परचेस करना है तो अभी परचेस कर लीजिए। ये बॉक्स है, इसके ऊपर बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। 800 फीट पर सेकेंड, 800 फीट है। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर आपको जो है CO2 भी लोड नहीं करना है। 800 FPS मैक्सिमम वेलोसिटी पर सेकेंड, मल्टी पंप है, मतलब आप इसको आगे पंप करना पड़ता है, इसको नीचे करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है, 3-4 बार करेंगे आपका इंजन चलने के लिए तैयार हो जाएगा। डुअल एमओ है, शूट्स बीबी एंड पैलेट, 0.177 कैलिबर, मतलब बीबी पैलेट जो आपको पसंद है आप वो लोड करिए और चलाइए। आप ये देख सकते हो, अब इसकी स्पेसिफिकेशन है। एक्शन मल्टी पंप है, इसको मल्टी पंप करने का चलता है। बीबी पैलेट है, बैरल इसका राइफल्ड है, मतलब उसमें कटे हुए हैं। साइट इसका जो है फाइबर ऑप्टिक है, बहुत अच्छा है फाइबर ऑप्टिक। स्टॉक इसका जो है ब्लैक कंपोजिट है। सेफ्टी है, क्रॉस बोल्ट ट्रिगर ब्लॉक है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कैपेसिटी 50 शॉट्स बीबी, इसके अंदर बीबी जो है 50 शॉट लोड कर सकते हो, पैलेट जो है एक बार में कर सकते हो। मैक्सिमम शूटिंग वेलोसिटी 291 यार्ड है, मतलब इतने दूर तक जा सकता है, जाता है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एयरगन 10 मीटर के लिए है। ओवरऑल लेंथ जो है 37.6 इंच है। वेट इसका 3.1 LBS, मतलब रफली 1.5 किलो है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाया गया इसे। आप डेजी देख सकते हो, डेजी बाहर की कंपनी है, टेक प्राइड इन डेजी। दिस इज कॉन्क्रीट मेड अप ऑफ प्राइमरी रिसाइकल मटेरियल, तो ये सब बातें। अब चलिए गन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात, इसका बैरल काफ़ी बढ़िया दिखने में है, काफ़ी स्मूथ, और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स है, इससे निशाना लगाना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जो लोग समझते हैं फाइबर ऑप्टिक्स से क्या है, कि ये साइन मारता है, टारगेट पर निशान लगाना काफ़ी अच्छा है। CO2 वीडियो कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आप इसको यूं करिए और आपका लोडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसको पूरा नीचे यहाँ तक लेके जाते हैं और यूं करते हैं, तो ये लोडिंग के लिए तैयार हो जाता है। बट एक बार लोड नहीं करना पड़ता है मैक्सिमम, इसको 3-4 बार तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, फिर जा करके ये फायरिंग के लिए तैयार होगा। ये है ट्रिगर ब्लॉक सेफ्टी, इसको पुश करके, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पुश टू फायर, तो आप जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये फायर होगा, चलेगा, मत नहीं तो ये लॉक हो जाएगा। ये है दूसरा, ये पार्ट आप देख सकते हो, जब आप इसको चलाते हो तो आप इसको पीछे लाइक दिस करते हो, देन इसको आप आगे ले आते हो, फिर ये फायरिंग के लिए तैयार होता है। अगर आप इसे बैक करते हो और यहीं पे छोड़ देते हो तो ये चलेगा नहीं, इसको पूरा एंड तक लेके जाना होता है, फिर ये चलता है। और इसको पुश करने के बाद, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, पुश टू फायर, ये है। अब बीबी कैसे लोड करते हैं, पैलेट कैसे लोड करते हैं। अगर आपको पैलेट लोड करना है, यू जस्ट पुल इट बैक, यहाँ आप जो है पैलेट डालते हो और फायर करते हो। अगर आपको बीबी फायर करना है तो यहाँ से बीबी लोड करते हो। बीबी इसके अंदर आप 50 लोड कर सकते हो, 50 शॉट्स की कैपेसिटी है। ओनली थिंग इज कि आपको इसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड 3-4 बार मिनिमम, 10 बार भी कर सकते हो, बट मैं आपको 4-5 से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ये इसका साइट है, आप इसको आगे पीछे करना चाहो तो थोड़ा बहुत जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो प्रेस वगैरह करके, बट आई डोंट रिकमेंड यू डूइंग, क्योंकि इसको नटवर्ट खोलना पड़ेगा, आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट। बस तो यही है राइफल बैरल, जैसे कि मैंने बता दिया काफ़ी अच्छा है। अगर आप इम्पोर्टेड गन्स के शौकीन हो और यू नीड अ मल्टी शॉट एयर गन और आपको बैरल नीचे करना पसंद नहीं है, तो आप ये खरीद सकते हो। ऑल दो हमारे पास इंडियन ऑप्शन भी है, वो जो सस्ती आती हैं,
इससे 5-6 गुना सस्ती मिल जाएंगी, आपको इतना पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर समवन हु लव्स इम्पोर्टेड गन, जिसको कि बाहर के गन्स के शौक हैं, तो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गो एंड ऑर्डर इट फ्रॉम आवर वेबसाइट डेजी पावरलाइन 901। वेबसाइट आपको पता है एयरसॉफ्ट गन इंडिया, आपको पता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं। वेबसाइट पर जाइए, ऑर्डर करिए। इफ यू वॉन्ट टू पे बाय क्रेडिट कार्ड जस्ट यू नो इन्फॉर्म अस, वी विल सेंड यू द लिंक फॉर पेमेंट। आप उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से भी, एंड बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। ऑल यू रिक्वायर्ड इज योर आईडी प्रूफ, आपको आईडी प्रूफ देना होता है आपका, और आपका जो है एड्रेस देना होता है। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर वेबसाइट से ऑर्डर करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो स्क्रीन पे आपके नंबर्स भी दिख रहे होंगे, उस पर कॉल करके आप हमसे कॉर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा कॉल बैक रिक्वेस्ट, वहाँ पे अपना नंबर डाल करके सेंड कर दीजिए। प्लीज़ यूट्यूब के वीडियोज़ में नंबर मत छोड़ा करिए, फेसबुक में नंबर मत छोड़ा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।